उधर इसराइल के मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूक्रेन युद्ध पर एक अहम बैठक की। इसराइल के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद यह पहली बार है जब उन्होंने यूक्रेन की जंग पर चर्चा करने के लिए कोई बैठक बुलाई, क्योंकि अब तक इसराइल ने रूस और यूक्रेन की जंग से दूरी बनाकर ही रखी है। हालांकि जेलेंस्की ने कई बार इसराइल से उसका आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम देने की गुहार लगाई, लेकिन जंग के एक साल हो जाने के बाद भी इसराइल ने यूक्रेन की मदद के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन अब लगता है कि इसराइल का मन भी बदल गया है, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूक्रेन की जंग को लेकर एक बैठक की। इसराइल के मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि यूक्रेन को हथियार भेजे जाएं या नहीं। खबर के मुताबिक बैठक में एयर डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन भेजे जाने पर बात हुई। हालांकि इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि इस पर कोई फैसला लिया गया या नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि अब जल्द ही इजरायल से भी यूक्रेन को मदद मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका भी लगातार इसराइल पर इस बात का दबाव बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भी चाहता है कि इसराइल अपने घातक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को जल्द यूक्रेन भेजे, ताकि रूस को मिले ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का मुकाबला किया जा सके। हालांकि यूक्रेन की मदद के मामले में इसराइल फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि वो रूस से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। माना जाता है कि सीरिया में वो रूस की मौजूदगी के बाद भी उसके दोस्त ईरान के ठिकानों पर हमले बोलता है, क्योंकि रूस उसकी तरफ से आंखें मूंद लेता है, और अगर इसराइल यूक्रेन की मदद करने उतरा तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इधर शिवसेना चुनाव चिन्ह मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें उसने एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में दिए गए अपने फैसले को सही ठहराया और उद्धव खेमे के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में चुनाव आयोग ने अपने फैसले को कानून के मुताबिक बताया। असल में आयोग ने शिवसेना नाम के साथ उसका चुनाव चिन्ह धनुष और तीर शिंदे गुट को देने का फैसला किया था, जिसे उद्धव गुट ने चुनौती दी थी। उधर ईरान ने अब एक जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट बना डाला। ईरान तेजी से अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाने में लगा है। पहले शाहिद ड्रोन, फिर बोट एयर डिफेंस सिस्टम और अब जेट ट्रेनर बनाकर ईरान अपनी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाना चाहता है, ताकि वो अमेरिका और इसराइल जैसे अपने दुश्मनों से दो दो हाथ कर सके। अमेरिका और इसराइल के हथियार और सेना का दम पूरी दुनिया मानती है, इसलिए उनसे लड़ने के लिए ईरान भी दिन रात कोशिश में लगा है। उसी कड़ी में उसने अपना यासीन जेट ट्रेनर बनाया। यह ऐसा विमान होगा जो ईरान के पायलटों को हवा में जंग लड़ने के साथ हवा से जमीन पर हमले करने की भी ट्रेनिंग देगा। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद पर ईडी कार्रवाई करेगा। ये कार्रवाई अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति के मामले में की जाएगी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ईडी ने लखनऊ और प्रयागराज समेत यूपी के कई शहरों में अतीक अहमद की करीब 100 करोड़ की संपत्ति का पता लगा लिया है, जिस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई सिर्फ अतीक अहमद तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसके परिवार और करीबियों पर भी होगी। उधर किम जोंग उन के मिसाइल परीक्षण के जवाब में अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ पानी में घातक सैन्य अभ्यास किया और दिखा दिया कि किम जोंग उन की धमकियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के जवानों ने पानी में दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास किया। जवानों ने एक नदी पर पुल बनाकर उस पर टैंक भी दौड़ाया। दोनों देशों के सैनिकों ने नदी में काफी देर तक अभ्यास किया। हालांकि इस ड्रिल के शुरू होने से पहले उत्तर कोरिया ने दोनों देशों को चेतावनी दी थी कि अगर ये संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया तो अंजाम ठीक नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उसकी एक न सुनी और ड्रिल शुरू कर दी। अब दोनों के बीच ये सैन्य अभ्यास 23 मार्च तक चलेगा।